जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी दौरा लगातार जारी है। आज चार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम अशोक गहलोत। सबसे पहले जोधपुर के बावड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वही 1 बजे नागौर और 3 बजे पुष्कर अजमेर में जनसभा होगी और शाम 5 बजे दौसा में संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राजस्थान में भी राजस्थान का जननायक प्रचार पर जोरों शोरों से लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज तूफानी दौरा, आज चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। 1 बजे नागौर में, 3 बजे पुष्कर अजमेर में जनसभा होगी, तो वहीं शाम 5 बजे दौसा में सभा को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी दौरा लगातार जारी। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल शुरू हो चुका है और इसी के तहत पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुख्यमंत्री भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले जोधपुर के बावड़ी में जनसभा होगी और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता दयाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। तो जैसे कि आपको पता है दयाल सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफानी दौरों पर है। आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार चुनावी सभाएं होंगी। सबसे पहले जोधपुर पे उनका दौरा रहेगा। जोधपुर के बावड़ी में क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जो किसी समझा होगा कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर की जनपद है, बावड़ी ब्लॉक है, उसके क्षेत्र में आएंगे, वहाँ एक जनसभा का संबोधन करेंगे। बावड़ी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ है, उनके पक्ष में ये सभा आयोजित की गई है, जहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र के जो जोधपुर जिले के हैं उनके जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके वोटरों को मीटिंग ली जा रही है, जिसमें बावड़ी में ये मीटिंग रखी गई है। कोसिया और उसगढ़ और बिलाड़ा 3 विधानसभा क्षेत्र के जो है वोटर्स को आज अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। जी दयाल सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी नजर आएंगे, लेकिन जोधपुर में किस तरह का माहौल है? मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं की तैयारियां क्या चल रही है और साथ ही कितनी भीड़ जुट जाएगी, इसकी संभावना है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जैसे ही मुख्यमंत्री की सूचना होती है तो निश्चित तौर पे लगातार सरकार राजस्थान में कांग्रेस की जिसके काफी संख्या में भीड़ आती है और आज भी यही संभावना लग रही है, मुख्यमंत्री की सभा में बड़ी भीड़ होगी और कांग्रेस के जाकर में जहाँ का ये निवासी यहाँ अच्छी भीड़ जुटेगी। और दयाल सिंह, इस जनसभा के बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज दिन भर का? 3 चुनावी सभाएं और होनी है जोधपुर के बाद। देखिए, बताना चाहूंगा जोधपुर के बाद नागौर और अजमेर में भी मुख्यमंत्री की सभाएं होनी है और उनके लिए आगे का प्रोग्राम रहेगा। वहाँ पर भी अच्छी भीड़ जुटने की संभावना है। जो कांग्रेस के नागौर की प्रत्याशी ज्योति मिर्जा है उनके पक्ष में आज नागौर में सभा रखी गई है। दयाल सिंह, नागौर सीट एक हॉट सीट कही जा सकती है क्योंकि भाजपा ने गठबंधन करके आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा और एक तरफ कांग्रेस की ज्योति मिर्धा मैदान में है, तो क्या कुछ मुकाबला रहेगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्योति मिर्धा के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जाट बहुत क्षेत्र है, वहाँ हनुमान बेनीवाल का बड़ा वर्चस्व रहा है, साथ ही ज्योति मिर्धा भी पुरानी राजनीति की रही है और बड़ी राजकरण से आती है, साथ ही अकाल सकता बड़े राजनीति के इस घर से निकले हैं, तो निश्चित ही दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहेगी और ये सीट जो है एक हॉट सीट कही जा सकती है राजस्थान की। जी दयाल सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमें इस खबर पर अपडेट करते रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज तूफानी दौरा लगातार जारी है।